ATN न्यूज़ चैनल वाले सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। अपना परिचय बता दीजिए पहले हमारे सारे दर्शकों को कि आप क्या हैं, क्या करती हैं। मेरा नाम शुभांशी जैन है और मैं कथक नृत्यांगना अभी एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। अभी कथक का जो नृत्य की बात आपने कहा, तो कथक को नृत्य को किस तरीके से लोग देखते हैं, क्योंकि आपने कैसे सीखा, शुरुआत कहाँ से हुआ, और आप काफ़ी कम उम्र की बच्ची हैं और इस तरीके से आपने अभी कथक में अच्छा खासा अपना पहचान बनाया है, क्या कहेंगी बताया जाए। सबसे पहले यहाँ बिहार में तो कला को लेकर के उसकी कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे तालीम भी वैसी नहीं है। मुझे जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मा मुझे सिर्फ ऐसे शौक के लिए, उनको शौक था मुझे सिखाने के लिए, तो उन्होंने मुझे सिखवाया। धीरे धीरे करते करते ये मेरा एक पैशन बन गया, जुनून बन गया, जो कि आज के डेट में मैं इसको एज अ करियर चूज़ कर रही हूँ। एज ए शुभांशी, आपको बता दें कि आपने काफ़ी आपके वीडियोज से अपने सोशल साइट से अपने अपलोड किया, काफ़ी अच्छा डांस किया आपने, तो डांस में सबसे ज़्यादा जो कथक में आपको कौन सा अच्छा लगता है हिस्सा, जैसे कि कथक में कई तरीके के होते हैं, तो वो कौन सा आपको अच्छा कोई लगता पार्ट? है तो कथक में सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं एक भाव वाली चीज़ें जो हैं वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि रियाज से जो भी बोल टुकड़े हैं, बंदिशें हैं, वो कोई एक रियाज से, हालांकि हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक बार वो रियाज से किया जा सकता है। जो भाव वाली चीज़ें होती हैं वो समझने की चीज़ें होती हैं, वो हर कोई। कथक में एक भाव नृत्य जो होता है, जो कि आप बैठे बैठे अपना मोमेंट्स देते हैं, तो आपने उसमें जैसे कि डांस में आपने देखा होगा कि कॉकरोच जो एक स्लो मोशन का डांस था राघव का, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ, तो कथक में इन दिनों एक जो है भाव नृत्य, तो भाव नृत्य क्या पुराना है या आज के ट्रेंड में ये काफ़ी लोकप्रिय होते जा रहा है? कथक नृत्य में भाव का जो पार्ट रहा है वो बहुत ही पुराना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न कल्चर और ये सब के चक्कर में कहीं ना कहीं हमारा खुद का जो शास्त्र नृत्य है ये सब जो है वो थोड़ा दब गया, तो उसको उभारने की ज़रूरत है। सुवंशी, आपसे एक और सवाल है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ भोजपुर जिला जो है, आप तो खुद आरा की रहने वाली हैं, भोजपुर जिला में संगीत के क्षेत्र में कई बड़े बड़े लोगों का नाम है, लेकिन वो ख्याति प्राप्त कुछ एक लोगों का बाकी यहाँ से वो अपना नाम नहीं बना पाए, या क्या वजह है? क्योंकि जिस तरीके से नृत्य की बात किया जाए, गायन की बात किया जाए, तो कई लोग कहते हैं कि इसमें कोई अपना भविष्य नहीं है, लोगों में कई तरीके के कुंठाएँ होती है, मतलब उनके अंदर झिझक होता है कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। शुरुआती दौर में गार्जियन जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, अपने बच्चों को सिखलाने के लिए प्रेरित तो करते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, क्या वजह है इसके पीछे? कहीं ना कहीं एक तो इम्पोर्टेंस है, हम लोग उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे तालीम नहीं है वैसे। अगर यहाँ पे अगर तालीम हो, बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया जाए, लिखाया जाए और सिखाया जाए, तो बच्चों में एक इंटरेस्ट आता है। सबसे पहले तो यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर का ही इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं आता। अगर बच्चों को पढ़ाया जाए, साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है कि ये मेंटल एंजाइटी और डिप्रेशन को जो है ये हील करता है। ये सारी चीज़ें अगर बताई जाए तो कहीं ना कहीं एक उसमें इंटरेस्ट भी जागता है बच्चों का। अगर ये सारी चीज़ें अगर इम्प्रूव हो जाए तो इसको बचाया जा सकता है। तो यानी संगीत के माध्यम से मेडिटेशन भी हो सकता है, यानी क्लासिकल और कथक डांस से? जी। तो और जैसे कि यहाँ जो लोग सीखते हैं, आपने भी सीखा होगा, कहीं से भी सीखा होगा, तो अब क्या कुछ रह गया बाकी सीखने के लिए? क्योंकि जिस तरीके से अभी आपका एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय से आपका नाम का चयन हुआ है, वहाँ पर आपका एडमिशन होगा, जो कि जिले के लिए काफ़ी गौरव की बात है। पूरे भोजपुर जिले में पहली आप ऐसी शख्सियत हैं जो कि इतने लंबे समय का यहाँ भोजपुर में संगीत का सफ़र रहा है, कई लोगों का बड़ा बड़ा नाम रहा है, लेकिन आपने वो चीज़ हासिल किया एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय में अपना नाम दाखिला का। किस विश्वविद्यालय में आपका संगीत में हुआ है? और मेरा कथक केंद्र दिल्ली में हुआ है, जो कि इंडिया के टॉप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में से वो पहले में आता है कथक केंद्र। तो इसके लिए आपके माता पिता, पेरेंट्स आपको कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से देखने को मिलता है, तो क्या पेरेंट्स का पूरा पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरे मेहनत के पीछे। तो क्या आने वाले दिनों में आप कथक के क्षेत्र में कुछ नया करने वाली हैं, या अभी आप किस क्लास में पढ़ती हैं, थोड़ा हमारे जो दर्शक वो? मैंने 12th कंप्लीट किया है, पिछले साल मेरा 12th कंप्लीट हुआ था, फिर वो ईयर मेरा वैकेंट गया, अभी इस साल से मैं आगे की पढ़ाई अपनी। तो यानी आप विश्वविद्यालय जो दिल्ली है वहाँ पर आप कब जाने की तैयारी कर रही हैं? मतलब अभी मुझे जाने में थोड़ा टाइम है, 2-2.5 महीने, फिर उसके बाद वहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग होगी क्लास में। तो यहाँ किस किस लोगों से आपने सीखा, क्या सीखा? मैं
सारा क्रेडिट सिखाने के लिए अपने गुरु भाई अनिश भैया को देना चाहूँगी। उन्होंने बहुत मेहनत करी है मेरे पीछे, इमोशनली, मेंटली और डांस वाइज भी, हर तरीके से। तो अभी फिलहाल जिस किस संस्था से आप संगीत सीख रहे हैं, अपना जो डांस है वो कहाँ से क्या करती हैं? अभी फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ, श्री शत्रुंजय संगीत महाविद्यालय में मैं यहाँ से सीख रही हूँ अनिश भैया जी से। और फिर यहाँ से अब जब मेरा एडमिशन वहाँ पे हो गया तो फिर वहाँ तो चली जाऊँगी, लेकिन यहाँ को नहीं छोड़ूंगी। एक चीज़ है कि यहाँ के कई लोगों को जब यहाँ की चीज़ सीखते हैं, यहाँ के जो डांस फॉर्म सीखते हैं, बाहर में जाकर उसका विपरीत हो जाता है, तो उसमें तो समस्या होता है, क्योंकि आप यहाँ कुछ और सीखी हैं और वहाँ का तरीका बदल जाता है, तो तरीका बदलने से क्या कुछ बदलाव आता है? बदलाव इम्प्रूवमेंट आता है, जो तालीम यहाँ की है जो तालीम वहाँ की उसमें बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही चीज़ है, कहीं ना कहीं थोड़ी डिफरेंट भी है, तो थोड़ा उससे वर्सिटैलिटी भी बढ़ती है कि मैं इसको भी कर सकती हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं वो नहीं कर सकती हूँ। सुबह से ये बताया जाए, जो आने वाले जो आपके जो साथ में जो दोस्त है, मित्र हैं आपके साथ, जो भी लोग डांस सीखते हैं, कई लोग छोड़ भी चुके होंगे या आगे जारी रखते हैं, तो अब आपसे उनको क्या कुछ क्या संदेश होगा, उनके लिए मैसेज क्या होगा? मैं यही कहूँगी कि ये मैटर नहीं करता कि आप डांस में ही आगे बढ़ो या किसमें भी बढ़ो, आप जिसमें भी जा रहे हो बीच में मत छोड़ना, मेहनत करना। तो यानी डांस के प्रति आपका पैशन बहुत ज़्यादा है, और जो पढ़ाई लिखाई, अभी आपने बताया कि आपका इंटरमीडिएट हो चुका है, तो आगे ग्रेजुएशन क्या कुछ प्लानिंग? जो डांस में जैसे कि लोगों को डर लगता है कि हम इसमें जाएंगे तो हमारा फ्यूचर कोई स्पॉइल कर जाएगा, ये एक मेंटालिटी है, ये जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंजीनियरिंग में भी ये चीज़ है कि जल्दी नहीं होगा, डॉक्टरी में भी, MBBS भी कि इतने साल का है उसमें भी नहीं होगा, ये हर जगह होती है। मैटर ये करता है कि आपका पैशन है और आपका इंटरेस्ट क्या है, आप करना क्या चाहते हो रियलिटी में, यानी पैशन हो तो कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो कुछ जो डांस का मोमेंट्स है आप दिखला सकती हैं? बिल्कुल, दिखलाइए थोड़ा सा। कुछ भाव नृत्य के कुछ भाव नृत्य जो ये मैंने गेट बंद करके ताला लगा दिया, अपने जो भी है मेरा पार्टनर सामने जिसको मैं रोक रही हूँ उसको बाहर ना जाने देने के लिए, चले बहुत बहुत। आप क्या संदेश देंगी उन छोटे छोटे अपने जो भाई बहन हैं जो आपके साथ सीखते हैं, और यहाँ के लोगों की सोच पर क्या अपना एक विचार व्यक्त कीजिए, क्योंकि आप एक लड़की हैं और जिस तरीके से हमारे समाज में महिलाओं को, लड़कियों को लोग उपेक्षा करते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगी, आपके जो मन में भाव है वो प्रकट कीजिए। मैं यही कहूँगी कि वेस्टर्न कल्चर अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन अपनी चीज़ें होती हैं, कहते हैं ना अपने तो अपने होते हैं, तो अपनी चीज़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए, पहला बात ये। दूसरी चीज़ ये कि ऐसा कुछ नहीं है कि करियर में प्रॉब्लम आता है या ऐसा कुछ भी, का प्रॉब्लम हर जगह है, हर करियर में, हर लाइन में। प्रॉब्लम ये है कि आपके मन में होना चाहिए कि आप सच में, खुद से पूछना चाहिए कि आप सच में करना चाहते हो। अगर वो चीज़ मन में होगा कि आप सच में करना चाहते हो तो आप सच में कर सकते हो। एक समस्या होता है सुबंशी मेरा इसलिए है कि यहाँ के लोगों की मानसिकता में, मैं इसलिए बार बार सवाल कर रहा हूँ कि आप एक लड़की हो और लोग कहते लड़कियों के लिए, तो उनके
दिमाग पर क्या ऐसा बात समझाया जाए कि उनके दिमाग में ये जाए कि जब देश में देश की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, पीटी उषा, कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन जब आता है अपने यहाँ की बात तो लोग पीछे हटते ही हैं। तो उनको जब तक एक बार अपने बच्चे को उनको एक बार सपोर्ट करना चाहिए, जब वो लोग भी कर सकते हैं, आखिर वो लोग भी एक लड़की हैं, जब वो लोग कर सकते हैं तो उनके बच्चे क्यों नहीं कर सकते, उन्हें ये खुद भी समझना चाहिए। बच्चों को भी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स को भी एक बार को लगता था, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ क्योंकि मेरा भाई इंजीनियर है, तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरा है। वो लोग समझते थे मेरे पागलपन को, मेरे पैशन को, इस वजह से आज मैं ये कर पाई। अगर बच्चे जब तक उस चीज़ को लेकर के जिद नहीं करेंगे या पैशन को नहीं बताएंगे कि मैं ये करना चाहती हूँ, तब तक पेरेंट्स भी नहीं कर सकते, उनके मानसिकता चेंज ही नहीं होगी।